हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की ऑनलाइन क्लास फोर्थ। और जैसा कि आपको पता है, क्लास वन से लेके क्लास थ्री आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग पार्ट को देख पाएंगे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उस क्लास का पार्ट फोर, जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टाइल्स इन गार्डनिंग। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग की। तो इन जनरल, स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग रेफर्स टू द ओवरऑल अपियरेंस और डिज़ाइन ऑफ गार्डन। तो ये ओवरऑल अपियरेंस को दर्शाता है या फिर किसी गार्डन की डिज़ाइन को दर्शाता है, ताकि गार्डन आपको देखने में खूबसूरत लगे और आकर्षित लगे। तो उसी को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं भारत में, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स की बात करेंगे तो पहला टाइप होता है फॉर्मल गार्डन, जिसको औपचारिक बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका होता है इनफॉर्मल गार्डन, जिसको अनौपचारिक बगीचे के नाम से जाना जाता है। एक आपका होता है फ्री गार्डन, जिसको फ्री स्टाइल गार्डन भी बोलते हैं। ये दोस्तों खुले तरह का होता है, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है, जैसे क्रिएटर का मन करता है उस टाइप से वो वहाँ पे प्लांट को ग्रो कराता है। आगे बात करेंगे वाइल्ड गार्डन, जिसको जंगली बगीचे के नाम से जाना जाता है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल गार्डन की। तो यहाँ पर दोस्तों, ये आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, ये आपके फॉर्मल गार्डन है। सारी रूल्स फॉलो किए जाते हैं, लैंड आपकी लेवल होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिखाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें इसमें फॉलो करनी पड़ती हैं। और इसमें ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसमें सारी डायमेंशंस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा पेपर पर, उसके बाद ही आप उसको ज़मीनी स्तर पर बना सकते हैं। तो उन्हीं फीचर्स को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला फीचर है कि लैंड इज़ लेवल, आपकी जो लैंड है वो लेवल होनी चाहिए अगर आप फॉर्मल गार्डन बनाना चाह रहे हैं। दूसरा है आपका फर्स्ट प्लान इज़ मेड ऑन पेपर एंड दस देन लैंड इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले प्लान आपको पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतार सकते हैं। सिमेट्रिकल डिज़ाइन होनी चाहिए, मतलब है कि आपका अगर सेंटर एक्सिस किसी फील्ड का आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपका फील्ड है, उसका सेंटर एक्सिस लेने के बाद, तो मतलब है कि इधर आपका जो स्पेस है वो स्पेस इधर भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका एक प्लांट है तो यहाँ भी एक प्लांट होना चाहिए, यहाँ पर आपका अगर एक हैज है जिसको बाड़ा बोलते हैं, तो यहाँ भी एक आपका हैज होना चाहिए। तो इस टाइप से अगर फॉलो करता है तभी आप वहाँ पर फॉर्मल गार्डन का निर्माण कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है ज्योमेट्रिकल में, आप स्क्वायर रख सकते हो मतलब वर्गाकार बना सकते हो, रेक्टेंगुलर रख सकते हो मतलब आयतकार बना सकते हो, सर्कुलर रख सकते हो मतलब वृत्ताकार बना सकते हो। तो जैसा भी आपका शेप का मन करे, लेकिन आपको शेप रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेजिस, एजिस एंड टोपियरी आर ट्रिम। तो हेज मतलब बाड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई मेड टाइप की होती है। एजिस मतलब जो आपके किनारे होते हैं, किसी आपने मान लो ऐसे प्लांट तैयार किए हैं तो इसमें जो किनारे हैं उनको आपको अच्छे से ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आप ट्रिम करोगे तो एक शेप तैयार होकर आती है और वही आपका फॉर्मल गार्डन कहलाता है। और यहाँ पे एक वर्ड है टोपियरी, टोपियरी का मतलब होता है कि आपको कोई शेप देनी होती है प्लांट को। तो आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, आपने कोई प्लांट एलिफेंट की तरह शेप देखी होगी, किसी की टाइगर की तरह देखी होगी, किसी का आपने अम्ब्रेला की तरह शेप देखी होगी, किसी के आपको काऊ की तरह शेप देखने को मिली होगी। तो इन्हीं को दोस्तों टोपियरी बोलते हैं, और ये आपको ट्रिम करने होते हैं आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, तभी वो एक नई शेप देते हैं और वही आपको देखने में खूबसूरत लगते हैं और आकर्षित लगते हैं। आगे बात करेंगे ट्री कैन बी सेलेक्टेड एज इंडिविजुअल फीचर। तो हर ट्री में अपना इंडिविजुअल फीचर्स होता है। फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, ये आपके इनफॉर्मल गार्डन है, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, कोई सिमेट्री फॉलो नहीं होती है, कोई ज्योमेट्री फॉलो नहीं होती है, जैसा मन करता है क्रिएटर का उस टाइप से यहाँ पे ग्रो करने दिया जाता है प्लांट्स को। तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके फीचर्स हैं। पहला है प्लान इज़ फोर्स टू फिट दी लैंड। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अगर आपकी लैंड है, चाहे वो रेगुलर शेप की है, तो आपको पूरा एरिया फिल करना होगा प्लांट से, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मेन एम इज़ टू कैप्चर नेचुरल। तो यहाँ पे आपको एक प्राकृतिक वे देना होता है, एक नेचुरल वे आपको प्लांट के अंदर देना होता है, जैसे नेचुरली कोई प्लांट ग्रो करता है उसी टाइप से आपको ग्रो करने देने दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको इनफॉर्मल गार्डन बोलते हैं। तीसरी कंडीशन है कि लैंड इज़ नॉट लेवल। तो यहाँ पे जो लैंड है वो लेवल नहीं होती है, जिस टाइप की आपकी रेगुलर स्लोप में या फिर कैसा भी आपका लैंड है वहीं पर आप क्या करते हो प्लांट की ग्रोइंग करते हैं। तो यहाँ पर लेवलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप इनफॉर्मल गार्डन बनाना चाह रहे हैं। तो आगे बात करेंगे
एसिमेट्री डिज़ाइन, अभी हमने बात की थी सिमेट्री की, जो कि आपकी फॉर्मल में फॉलो होती है, जिसको सममित बनावट बोलते हैं, और आपकी एक एसिमेट्रिक होती है जिसको हम असममित बनावट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई भी सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ की जो साइड है वो बराबर ना हो तब भी चलेगा। यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको दोनों साइड बराबर रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे नॉन ज्योमेट्रिकल बेड्स एंड बॉर्डर। तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री फॉलो नहीं करनी है, जैसा कि हम अभी फॉर्मल पढ़ के आए तो वहाँ पर क्या था कि आपको एक ज्योमेट्री में पेड़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे आपका चाहे वो वर्गाकार हो, आयतकार हो या फिर वृत्ताकार हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री फॉलो नहीं करनी है, आप उसको नेचुरली ग्रो होने के लिए छोड़ सकते हैं प्लांट को इनफॉर्मल गार्डन में। आगे बात करेंगे अनट्रिम्ड हेजेस एजेस एंड टोपेरी। तो यहाँ पर दोस्तों हेजेस मतलब होते हैं आपके बाड़े, ठीक है, बाड़े की बात की थी हमने, तो वो आपके अनट्रिम्ड रहेंगे, एजेस आपके अनट्रिम्ड होंगे, और टोपेरी, तो टोपेरी मैंने आपको बता दिया है कोई भी शेप में आप क्या करते हो प्लांट की शेप तैयार करते हो, चाहे वो एलिफेंट की शेप हो या किसी ट्री की या फिर किसी भी अम्ब्रेला की या फिर किसी भी एप्पल की शेप में आप क्या करते हैं किसी प्लांट को शेप देते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं टोपियरी बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रिमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बात करेंगे इंडिविजुअल प्लांट आर नॉट सेलेक्टेड एज फीचर। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल प्लांट का कोई फीचर नहीं होता है, वो कहीं भी ग्रो करने दिया जाता है, और नंबर ऑफ प्लांट कहीं भी कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल गार्डन बोलते हैं। तो ये भी आपको लार्ज अमाउंट में देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। अब बात करेंगे फ्री स्टाइल गार्डन। तो फ्री स्टाइल गार्डन होती क्या है, इन फ्री स्टाइल गार्डन बेस्ट ऑफ दी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल आर सेलेक्टेड टू सिक्योर द मोस्ट पिक्चर क्यू इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि अट्रैक्टिव आकर्षित इफेक्ट आपको दिखाना होता है फ्री स्टाइल गार्डन में, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों स्टाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिमेट्रिकल भी यूज़ कर सकते हैं और एसिमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है कि आपको फॉर्मल यूज़ करना है या फिर आपको इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है जिसको गार्डन बनाना है उसके माइंड में जैसा प्लान आएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट को ग्रो करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पर एक नेचुरल वे देने की कोशिश की जाती है कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा एज ए नेचुरल तरीके से ग्रो कराया जाए जैसे प्लांट खुद करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे फ्री स्टाइल गार्डन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कोई प्लांट कहीं है इस टाइप से फ्री स्टाइल है, अगर उसने फॉर्मल भी फॉलो किया तो वो भी कर सकता है, इनफॉर्मल किया तो वो भी कर सकता है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, जैसे क्रिएटर का मन करेगा उस टाइप के रूल वो फॉलो करता है, चाहे वो फॉर्मल के हों या फिर इनफॉर्मल के हों। अगर वो फॉर्मल के करता है तो वहाँ पर सिमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, अगर इनफॉर्मल के करता है तो वहाँ पर कोई भी सिमेट्री यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज्योमेट्री यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, प्लांट जो आपका लैंड है वो आपको लेबल नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है फ्री स्टाइल, मतलब खुले दिमाग का जैसा मन करे उस टाइप से गार्डन तैयार किया जाता है जिसको फ्री स्टाइल गार्डन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ फ्री स्टाइल के, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कर्व पाथ विद बोथ रेगुलर और इरेगुलर शेप। तो यहाँ पे जो कर्व पाथ होते हैं वो आपके रेगुलर भी हो सकते हैं या फिर इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। नॉन ज्योमेट्रिक बेड एंड बॉर्डर, तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री फॉलो नहीं होती है, जो कि आपको पिछले टाइप में बता चुका हूँ। क्लोज टू नेचुरलिस्टिक गार्डन डिजाइन, तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि एक प्राकृतिक रूप प्लांट के अंदर डाला जाए। आगे बात करेंगे मोर फ्लोइंग शेप, तो कोई भी फ्लो की शेप हो सकती है, जैसा मन करेगा उस टाइप को उसको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसको हम फ्री स्टाइल गार्डन में करते हैं। लेस रेगुलेट एंड कंट्रोल्ड प्लांटिंग, यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई भी कंट्रोल्ड मैनर नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड वे में यहाँ पर प्लांट ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसीलिए वहाँ पर एक नेचुरल वे आपको देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे सॉफ्ट कर्व पैटर्न, तो यहाँ पर जो कर्व पैटर्न होता है वो सॉफ्ट छोड़े जाते हैं, यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं की जाती है, कोई ट्रिमिंग नहीं की जाती है, ये भी आपको देखना है। मिक्स ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक डिजाइन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका फॉर्मल भी फॉलो कर सकता है या फिर इनफॉर्मल डिजाइन फॉलो कर सकता है, तो इसलिए सिमेट्रिकल भी ये डिजाइन फॉलो करेगा और आपका एसिमेट्रिक डिजाइन भी फॉलो करेगा, ये डिपेंड करता है आपके क्रिएटर पे। आगे बात करेंगे वाइल्ड गार्डन, जिसको जंगली बगीचा बोलते हैं, तो इन वाइल्ड स्टाइल गार्डनिंग नो रूल आर फॉलोड बट एम इज टू मेक अ गार्डन ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। तो यहाँ पर केवल एक ही एम होता है, गार्डन को कैसे करके ब्यूटीफुल बनाया जाए और नेचुरल तरीके से तैयार किया जाए। तो यहाँ पर भी जंगली तरीके से बोल सकते हो उसका, जैसा कि नाम आपका डिनोट हो रहा है जिसको जंगली बगीचा बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, और यहाँ पर केवल और केवल ब्यूटीनेस को इनक्रीज करने के लिए, एक नेचुरलिटी लाने के लिए बगीचे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लगाए जाते हैं ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है दोस्तों, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके
सब टाइप्स, जैसे कि अगर फॉर्मल गार्डन की बात करेंगे तो पर्शियन टाइप, मुगल टाइप, फ्रेंच टाइप, इटालियन टाइप और अमेरिकन टाइप के गार्डन्स। उसके बाद इनफॉर्मल गार्डन में भी इंग्लिश गार्डन, जैपनीज गार्डन और आपके चाइनीज़ गार्डन। तो इसको दोस्तों हम कल न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका था स्टाइल्स इन गार्डनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि IIHR कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये क्या आपका एक हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है अपने इंडिया में। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।